ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्स्ट था कॉन्टेंट्स फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्स्ट द फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम देखें कुदरत ने जो मेल और फीमेल जो ह्यूमन में मेल और फीमेल का जो बेसिक इन बाई या टू सेक्स होने का जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि जो मेल है इट इज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स जबकि फीमेल जो जब उसकी इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ में प्रोडक्शन ऑफ़ फीमेल गैमीट्स या जिसको हम एग भी बोलते हैं ओवम भी कहते हैं और इसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब एम्बरी जो होगा फिर उसकी केयर और इसकी न्यूरिशमेंट उसकी प्रोडक्शन और आफ्टर बर्थ इवन के यंग वन को फीड करवाना तो अगर हम रिप्रोडक्शन के हवाले से देखते हैं तो फीमेल जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द मेल है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के इंपॉर्टेंट फंक्शन में गैमिर प्रोडक्शन गैमिर को प्रोड्यूस गैमिर प्रोडक्शन से बात होगा प्रोडक्शन आफ ओवम आर द एग एग की प्रोडक्शन जो है उसमें होगी देन, न्यूरिशमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद जो डिवेलपिंग एम्ब्रियू है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव के ट्रैक के अंदर ही इसको क्या किया जाता है कि इम्प्लांट करवाती है नेचर जहाँ उसकी क्या होगी कि डिवेलपमेंट के प्रोसेस होते हैं डिवेलपमेंट के दौरान जितनी भी फूड उसने लेनी है वो मदर से लेनी है तो इसका मतलब ये होगा कि न्यूरशमेंट भी मदर ने प्रोवाइड करनी है प्रोटेक्शन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन जो है वो भी मदर ने प्रोवाइड करनी है देन उसकी जब डेवेलपमेंट हो जाएगी बर्थ हो जाएगी तो उसके बाद उसकी नर्सिंग नर्सिंग का मतलब क्या उसकी जिनको फीड करवाना दिस इज आर्थ और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ तो ये तमाम काम जो एक मदर करती है वो बेसिकली दे आर दी जॉब्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो अब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है उसमें अगर हम बात करें सीक्वेंस वाले अगर हम देखें सबसे पहले हमारे पास ओवरिज हैं ओवरीज वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ एग की प्रोडक्शन होती है एग या एग को ओवम भी बोलते हैं या ओवा भी बोलते हैं एग की प्रोडक्शन जहाँ होगी दैट इज़ द ओवरीज ओवरिस से एग जब मेच्योर हो जाएगा रब तो उसके बाद फिर वो आ जाएगा ओविडक्ट में ओविडक्ट का पहला हिस्सा जो होता है वो एक टिब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसको हम फिम्बरीज बोलते हैं तो फिर वहाँ से यानी कि फिम्बरीज के थ्रू आ जाएगी ओविडक्ट ओविडक्ट को हम यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं या फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं इसको या यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं और इसका अगला हिस्सा जो तो उसको हम फिम्बरी बोलते हैं देन यूट्राइन ट्यूब से या फिर ओविडक्ट से या फिर फैलोपियन ट्यूब ये तीनों नाम एक ही स्ट्रक्चर्स के हैं वहाँ से एग जो ट्रैवल करके आएगा इन द यूट्रस यूट्रस वो स्ट्रक्चर है जहाँ अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर एम्बरी यहीं इम्प्लांट होना है अच्छा जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो होगा यूट्राइन ट्यूब के अंदर या ओवीडक्ट के अंदर जो है वो होता है और वो भी इसके अपर पोर्शन के अंदर होगा और इसके बाद जो एम्ब्रियो है वो दैट विल बी इम्प्लांटेड इन द यूट्रस देन द वजाइना वजाइना इज बेसिकली दैट पोर्शन के डेवलपमेंट के बाद यंग वन इट विल कम आउट थ्रू द वजाइना ये ट्यूबुलर पोर्शन है जहाँ से जो बेबी है इट कम्स आउट जब उसकी डेवलपमेंट हो जाती है यूट्रस के अंदर आफ्टर नाइन मंथ्स तो थ्रू वजाइना जो है वो क्या होगा कि यंग वन जो है उसकी बर्थ होगी एक्सटर्नल जेनेटेली एक्सटर्नल जेनेटेलिया बेसिकली वो स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पोर्शन हैं ट्रैक के पोर्शन हैं जो क्या करते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसको कंटेमिनेशन से या फिर कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब से इसको प्रोटेक्ट करते हैं उसको और दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेक्स एरोजल यानी सेक्स एरोजल में जिसका जो इंपॉर्टेंट रोल है देन द मेमोरी ग्लैंड्स मेमोरी ग्लैंड्स का इंपॉर्टेंट रोल है आफ्टर बर्थ आफ्टर बर्थ दे आर देयर टू फीड द यंग वन यंग वन जो होगी ये मैमल का इंपॉर्टेंट करेक्टर है ह्यूमन भी चूंकि एक मैमल है तमाम एमल्स की तरह जो ह्यूमन है दे आल्सो फीड देयर यंग वन हियर वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे राइट फ्रॉम ओवरीज अगर ओवरीज को देखें तो ओवरी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एग्स की प्रोडक्शन होगी देन एग्स जब यहाँ मैच्योर हो जाएंगे दे आर रिलीज्ड आउट वो बाहर रिलीज होते हैं और फिर अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है दे आर कॉल्ड द फिम्बरी तो जो फिम्बरी जो है ये दे कलेक्ट द एग और एग इस ट्यूब लाइक -like स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं यूट्राइन ट्यूब कहते हैं यूट्राइन ट्यूब के अलावा इसको फेलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है या फिर इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं बाकी एनिमल्स के अंदर ये ये यूट्राइन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब्स जो है ये वो पोर्शन है जहाँ फर्टिलाइजेशन होनी होती है इसकी इंटीरियर एंड में इस हिस्से में यानी जाकर फर्टिलाइजेशन होनी है फर्स्ट पोर्शन के अंदर वन थर्ड यानी इनिशियल वन थर्ड के अंदर फर्टिलाइजेशन होनी होती है फर्टिलाइजेशन के बाद एग मूव करता हुआ आएगा एक लार्ज पोर्शन के अंदर जिसको हम क्या नाम देते हैं यूट्रस का नाम देते हैं यूट्रस वो पोजीशन है जहाँ बच्चे ने नाइन्थ मंथ नाइन मंथ्स गुजारने होते हैं यही वो पोजीशन है जहाँ एम्बरी इम्प्लांट होता है और नाइन मंथ तक जो बेबी है वो अपने मदर के यूट्रस में स्टे करता है और यहीं से उसको फूड और बाकी चीज़ें जब प्रोटेक्शन मिलती है फिर यूट्रस के मैं अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करने के बाद नाइन्थ मंथ्स के बाद यंग वन है इट कम्स आउट थ्रू आ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का हम देखें इसकी यूट्रस के शुरू वाली जो चीज़ सर्विस सर्विक्स का मतलब है कि इसके शुरू का एक पलाई पलाय स्ट्रक्चर है और फिर यूट्रस से डिवेलपमेंट के बाद जब बेबी कम आउट करेंगे इट विल कम आउट थ्रू द वजाइना ट्यूबुलर पोर्शन है जिसको हम वजाइना कहते हैं तो वजाइना के थ्रू जो है वो यंग वन विल कम आउट वज़ाइनल वजाने के थ्रू जो है उसकी बर्थ हो जाएगी तो दी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर इसमें देखें फीमेल में यूनिटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे सेपरेट होते हैं जबकि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं